नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल GS नगरी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फिस समूह की शोध इकाई फिस सॉल्यूशन के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? तो आपका उत्तर होगा द 3.6%। फिर समूह की शोध इकाई सॉल्यूशन के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.6% रहेगा। यह थे बजट लक्ष्य 3.4% से 0.2% अधिक है। इससे पूर्व इसने 3% रहने का अनुमान लगाया था। फिर सॉल्यूशन के अनुसार व्यय वृद्धि सरकार के अनुमान से अधिक रहेगी। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करके भाजपा सहित देश का छठा राज्य बन गया है? तो आपका उत्तर होगा सा महाराष्ट्र। 5 फरवरी 2019 को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने का फैसला लिया गया। यह आरक्षण शिक्षा और सरकारी नौकरियां दोनों में लागू होगा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, झारखंड के बाद महाराष्ट्र ने आरक्षण को देश में लागू करने वाला भाजपा सहित छठा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय का विस्तार कम कर दिया गया? तो आपका उत्तर होगा आ अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान के अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय का विस्तार छोटा कर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नए रीजन बनाए गए। अजमेर से मध्य प्रदेश और दादरनगर हवेली को अलग करके दूसरे रीजन में शामिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के देश में अब तक कुल 10 रीजन हैं, जिनमें नई दिल्ली, प्रयागराज, अजमेर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, पंचकूला, पटना, तिरुवनंतपुरम और भुवनेश्वर रीजन शामिल थे। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड द्वारा अब 6 नए रीजन गठित किए गए। इनमें बेंगलोर, चंडीगढ़, भोपाल, नोएडा, पुणे और दिल्ली वेस्ट हैं। अजमेर से मध्य प्रदेश को अलग कर 9 सीट भोपाल में और दादरनगर हवेली को 9 सीट पुणे रीजन से जोड़ा गया। अजमेर रीजन में अब केवल राजस्थान और गुजरात के स्कूल ही रह गए हैं। इससे पूर्व छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ को भुवनेश्वर रीजन में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए विश्व कैंसर थीम क्या थी? तो आपका उत्तर होगा आई एम एंड आई विल। वर्ष 2019 के विश्व कैंसर दिवस की थीम आई एम एंड आई विल थी, जो मन के हारे और मन के जीते जीत का संदेश देती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक इस बीमारी से मरने वाली की संख्या लगभग 60 लाख तक हो जानी थी। विश्वभर में विश्व कैंसर दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को जागरूक किया जा सके और उन्हें जानलेवा बीमारी से लड़ने की हिम्मत दी जा सके। आपका अगला प्रश्न है, भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-31 को फ्रेंच गुयाना के स्पेस पोर्ट से सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो आपका उत्तर होगा 6 फरवरी 2019। 6 फरवरी 2019 को भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-31 को फ्रेंच गुयाना के स्पेस पोर्ट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। GSAT-31 उपग्रह का वजन 2536 किलोग्राम है। यह स्थिति कक्षा में कू बैंड ट्रांसपोर्टर क्षमता को बढ़ाएगा। यह उपग्रह ऑर्बिट के कुछ उपग्रहों की परिचालन सेवाओं को निरंतरता प्रदान करेगा। यह उपग्रह भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों को संचार सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यह उपग्रह उभरते हुए दूरसंचार अनुप्रयोगों के होस्ट के लिए थोक डेटा स्थानांतरण के लिए भी उपयोग किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस मिशन के सूक्ष्म अभियानों पर आधारित किस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो आपका उत्तर होगा बा दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का। 7 फरवरी 2019 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस मिशन के सूक्ष्म अभियानों पर आधारित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में जमीनी स्तर पर कौशल और दक्षता के मुद्दों पर पुलिस विभाग में नजरिए के बदलाव, महिला पुरुष आधा संवेदन अथवा संवेदनशीलता, प्रौद्योगिकी का दोहन और समुदाय आधारित पुलिस नीति के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री
एनएन बोहरा द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस मिशन ने अब तक 35 परियोजनाएं विकसित की हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय द्वारा किस गणराज्य के ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो आपका उत्तर होगा बा पोलैंड। 4 फरवरी को देश के कोयला मंत्रालय के मंत्री श्री हरिभाई पृथ्वी भाई चौधरी द्वारा नई दिल्ली में पोलैंड गणराज्य के ऊर्जा मंत्रालय श्री ग्रेज गोर्ज तोबिस योजस्वी द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पहले से स्थापित सहित कोयला कार समूह के साथ साथ अनुसंधान संस्थानों और दोनों देशों के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल कर अध्ययन के जरिए कोयला खनन और स्वच्छ कोयला टेक्नोलॉजी के संबंधों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाना है। आपका अगला प्रश्न है, कृषि निर्यात नीति पर आधारित सबसे पहले राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो आपका उत्तर होगा शाह पुणे। 2 फरवरी 2019 को बैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पुणे में कृषि निर्यात नीति पर आधारित पहला राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा 4 फरवरी 2018 को संबोधित किया गया। इनके अनुसार कृषि निर्यातों के विकास के लिए देश भर में क्लस्टरों की पहचान की गई। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र में अंगूर आम अनार के लिए संतरे और प्याज के निर्यात के लिए 6 क्लस्टरों की पहचान की गई है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत पहले स्वास्थ्य केंद्र को लॉन्च किया? आपका उत्तर होगा सा छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न है, देश का पहला करियर पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो आपका उत्तर होगा ए राजस्थान। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह टोटासर ने बुधवार को दोपहर 1 बजे शिक्षा संकुल में देश का पहला करियर पोर्टल लॉन्च किया। साथ में समय शिक्षा के समन्वित वेब पोर्टल इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल भी लोकार्पण किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।